Hi viewers, this is me Rebaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए और इसके साथ हमारे चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मौका पाएँ और हमारे चैनल के मेंबर बनिए. और इसके साथ साथ आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है जैनुल आबिदीन ने. दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर हमारे चैनल पर इनकी डिबेट रहती हैं और बड़ी सेंसिटिव टॉक भी हो जाती है, लेकिन ये है कि हर इंसान अपना एक ओपिनियन रखता है और जो कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपके तक पहुंचाते हैं. डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. जैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला. व्यूअर्स, आप डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. और जैन का खैर चैनल नहीं है कोई अभी फिलहाल, लेकिन अगर कोई चैनल होगा तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे. और हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें. जैन का चैनल नहीं है, आप उनके व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए. सही बात है. और मेरे चैनल पे आप इनके व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि इंडायरेक्टली मुझे सब्सक्राइब कीजिए. तो आज सर, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया. जैन, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू रिबाजी, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. अच्छा, कपिल जी ने मैसेज किया है वेलकम टू द पाकिस्तान वर्ल्ड, थैंक यू. और कपिल जी, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच. आपको भी गुड गुड इवनिंग बहुत ज्यादा. जैन, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक ये है कि फर्स्ट एवर सऊदी अरेबिया इंडिया जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नियर पाकिस्तान बॉर्डर. सर, इस न्यूज को आप आखिर कैसे देख रहे हैं कि सऊदी अरब की मिलिट्री अब इंडिया में, इस न्यूज को आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन उससे पहले हम जो हैं हरी सर को भी वेलकम करेंगे. हरी मोहन जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला. और कैसे हैं आप? बढ़िया, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं, क्या कहेंगे सऊदी अरब की मिलिट्री अब इंडिया जो है वो ट्रेन करेगी और इनके जॉइंट मिलिट्री जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं इंडियन आर्मी और सऊदी अरब की आर्मी का, क्या कहेंगे? और नियर पाकिस्तान बॉर्डर, ये क्या आप शो करवाना चाह रहे हैं आखिर? ये क्या एक मैसेज है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को एक ही मैसेज है कि आप पाकिस्तान रहे, चश्म चिराग रहे और ज्ञान रहे. क्या है पाकिस्तान की बात करें भाई, आप कोई किसी को कोई मैसेज नहीं दे रहा. सदा तंसीक करके, मैं अरबिक नहीं जानता, आप तो अरबी जानती होंगी, आपका नाम भी अरबी है. तंसीक का मतलब समझ में आता है आपको? तंसीक क्या होता है? नहीं सर, मुझे आती है अरबी, लेकिन अरबी मतलब बोली जाती, बोलने में आ जाती है, पढ़ लेती हूँ, लेकिन उसका मतलब मुझे कोई नहीं पता. जैन, आपको आती है क्या मतलब है तंसीक? तंसीक जैन, चलिए सर आप कंटिन्यू करें. जैन से जैन का माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, पर जैन तो ऑन है. जैन तो ऑन है, माइक ऑफ है. देखिए, ऐसा है कि सादा तंसीक करके ये एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया और इंडिया किया गया है. ये राजस्थान में हो रहा है. इसका पर्पस है, चूंकि आपको पता है सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट इलाका है, कि वो डेजर्ट इलाके में उनके लोग, उनको बैटल ऑपरेबिलिटी मिले, उसकी उसकी एक्सरसाइज हो, वैसा एक्सपीरियंस मिले. चैप्टर 7 जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंडर में दोनों आर्मी मिल करके ऐसे सिचुएशन का, चैप्टर 7 सिक्योरिटी काउंसिल टॉक्स अबाउट दी measures that Security Council can take in order to combat international, the matter pertaining to international peace and security or threat to international peace and security as per Article 39, provided there's a resolution to that effect. So Article 25 of the UN Charter, read with Article 39 and the 43 of the UN Charter. इसके अंदर में ये है कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल यदि कोई रिजोल्यूशन देता है और आपको उस रिजोल्यूशन को मान करके और फिर आप जो उस रिजोल्यूशन में लिखा है वो एक्ट आप कर सकते हैं थ्रू, यू कैन इवन यूज फोर्स. अदरवाइज यूएन चार्टर में फोर्स को प्रोहिबिट किया गया है, किसी भी तरीके के फोर्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में अलाउड नहीं किया गया है.
ये वही है कि सारे देश के लोग, एक सारी दुनिया एक दूसरे को समझे, आर्मियां एक दूसरे के टैक्टिक्स को समझे, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें और वो करें। तो इसमें सऊदी अरेबिया के 45 लोग आए हैं राजस्थान में, और सदा तंसीक। अब तंसीक क्या होता है, आई हैव नो आइडिया कि इसका क्या मतलब होता है। ये हमको हमारे गुरु हरि मोहन जी बताएंगे, हरि जी, या हमारे छोटे भाई जैनुल अब्दीन साहब बताएंगे। हरिमोहन जी, आप बताइएगा कि एक तो इसका मतलब तंसीक का, और दूसरा इस न्यूज़ पर आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की? देखिए, तंसीक का मैं अभी खुद ही मतलब अभी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेशन, तंसीक मींस यहाँ वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन। अब सीधी सी बात यही है, कोऑर्डिनेशन मींस सिंपल है कि कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लूज कर रहा है अपना स्पेस, और इंडिया उसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तंसीक यानी कोऑर्डिनेशन। अब आप सोचकर देखिए, पहली एक तो हम एनालाइज करेंगे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को और किस फाउंडेशन के ऊपर वो हैं उसको, ताकि उसके बाद हम डिसाइड कर पाए कि भाई हम अल्टीमेटली हम हैं कहाँ। देखिए, अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को देखते हैं, इंडिया के रिलेशंस तो बहुत बाद में शुरू हुए हैं, और अगर जेन्युइनली देखा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान आने के बाद शुरू हुए हैं। उससे पहले सऊदी अरेबिया कभी भी इंडिया से सिर्फ इतना रिलेशन रखता था कि इंडिया की एक लेबर फोर्स सऊदी अरेबिया जाती थी, इंडिया सऊदी अरेबिया से थोड़ा बहुत जो भी इंडिया की कैपेसिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग ऑयल परचेज कर लेता था, और कुछ यहां से हज के यात्री जाते थे, और छोटा मोटा हल्का फुल्का कॉपरेशन मिल जाए सो मिल जाए, वरना पूरा का पूरा यूएई और पूरा अरब वर्ल्ड, ओआईसी और मेनली सऊदी अरेबिया बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। यहां तक कि 1998 के अंदर भी जिस तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, उस न्यूक्लियर टेस्ट में अगर सैंक्शंस लगे हैं तो इंडिया अकेला खड़ा हुआ था उन सैंक्शंस में, पाकिस्तान के साथ पूरा ओआईसी खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ओआईसी ने सेलिब्रेट किया था कि फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। भले ही ऊपर ऊपर से लोग दिखावा की फॉर्म में सैंक्शंस लगा दिए गए हों, लेकिन थोड़े बहुत हल्के फुल्के, वो भी अमेरिका के दबाव में, लेकिन अंदर ही अंदर सेलिब्रेट किया था। सोचकर देखिए, सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को कौन सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है, पाकिस्तानी आर्मी करती है। कतर के अंदर फुटबॉल लीग का मैच होता है, वहां पर वो वर्ल्ड कप होता है पॉसिबली, जहां तक मुझे याद है, उसको सब उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और दूसरी चीजें मेंटेन करने के लिए कौन जाता है, पाकिस्तानी आर्मी। यूएई की रॉयल फैमिली से लेकर कितनी सारी रॉयल फैमिलीज है, सबको प्रोटेक्शन कौन देता है, पाकिस्तानी आर्मी। यमन के अंदर जिस तरीके से इशू क्रिएट, सॉरी यमन कह रहा हूं, जॉर्डन के अंदर जिस तरीके से इशू क्रिएट हुए, पैलेस्टीनियंस ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो कौन गया था पैलेस्टीनियंस को बुचर करने के लिए, 25,000 पैलेस्टीनियंस को अल्लाह के नाम पर किसने मारा था, पाकिस्तानी आर्मी ने। आपके जो आर्मी के रिलेशंस हैं वो अरब कंट्री के साथ गजब लेवल पर बहुत अच्छे हैं, जब बहुत अच्छे हैं, और आप उस चीज को समझिए। और वहां अगर उस रिलेशन को पाकिस्तान मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आर्मी के रिलेशंस, और आर्मी में भी किस लेवल पर रिलेशंस के मैक्सिमम ऑफिसर्स जो हैं वो इस लेवल पर कनेक्टेड होते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है, ये समझिए। इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, इंडिया, इंडिया को तो घास नहीं डालते थे वो लोग, अब क्या हुआ। देखिए, किसी भी कंट्री के डिफेंस रिलेशंस अगर स्ट्रांग होते हैं ना, तो इतना याद रखिएगा वो कंट्री के रिलेशंस कभी भी हिलते नहीं है। जैसे इंडिया और रशिया है, इंडिया और रशिया है, इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज मजबूत हैं, अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत लगा ली, हिले नहीं। इससे अंदाजा लगाकर देखिए क्यों, क्योंकि डिफेंस टाइज, आपके डिफेंस टाइज हैं पाकिस्तान के अरब कंट्रीज के साथ, वो अरब कंट्रीज के डिफेंस टाइज अगर हिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेस फाउंडेशन हिल रही है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो क्लेम था अरब कंट्रीज के साथ दोस्ती का, वो है क्या, हम इस्लामिक मुल्क हैं, मुस्लिम उम्मा की बात है, और सऊदी अरेबिया एग्री करता था। सऊदी अरेबिया को अपनी सिक्योरिटी से लेकर और दूसरे बेसिस के मामले में खुले तौर पर
पाकिस्तान की मदद मिलती थी, हर मामले में मदद मिलती थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है। वो क्या हुआ है वो बाद के उसमें सेक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है और जबरदस्त लेवल पर हुआ है, जिसकी वजह से अब वहां आपकी प्रेजेंस कम होती हुई नजर आ रही है। और ये जो टाइज आप याद रख के करिए, हमारे जो आर्मी चीफ नरवणे जी थे वो सऊदी अरेबिया होके आए और हमारी आर्मी ने वहां रिलेशंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। अप्रॉक्सीमेट 1920 के आसपास की बात है। उसी का नतीजा है, चाहे 45 आए आए और आके अब वो डिफेंस डिस्कस कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले ही यूनाइटेड नेशंस के बैनर के अंडर में कर रहे हैं, आर्मीज एक दूसरे के साथ आ रही हैं। और अगर इंडिया इंडिया और सऊदी अरेबिया डिफेंस के मामले में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो आपको चिंता तो करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हाँ जी जैन, क्या आप मुझे सुन रहे हो? हेलो जैन, जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जी जी आ रही है। अच्छा जैन, क्या आप इस न्यूज़ को देखते हो? यार देखें, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है ना कि उनको वो एरिया सूट करता है, जैसे राजस्थान का जो एरिया है, जो सहराई एरिया है, इस तरह। अब देखें, सऊदी अरब को ये जरूरत नहीं है कि वो किसी बर्फानी इलाके में जाके प्रैक्टिस करें मिलिट्री। उसके पीछे वजह ये है कि उनको ना तो इस तरह का कोई बॉर्डर लगता है, ना उनका कोई ऐसा नेबर कंट्री है। और इस तरह हम वर्ल्ड वॉर की मिसाल लें, या आप देखें जो जो वो रशिया की एक वार हुई थी जिसमें उनको दूसरों को शिकस्त हुई थी। यार एक बीच में कॉल आ रही, माजरत। तो उसके पीछे वजह ये थी कि वो बर्फानी इलाके में ले गए थे उनको। ये हरी भाई भी सेकंड करेंगे और डॉक्टर साहब भी करेंगे। तो असल में बात ये है कि ये जो अगर सऊदी अरब की कंडीशन को देखें तो उनको वो एरिया सूट करता था। पाकिस्तान के सहराई इलाके जैसे बलूचिस्तान टाइप है, वहां पे भी वो ये मिलिट्री प्रैक्टिस कर सकते थे, और पाकिस्तान के साथ वो करते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं करते। लेकिन इंडिया के साथ मामला उनके बेहतर हो रहे हैं ग्रेजुअली पिछले कुछ अरसे से। जैसे उन्होंने OIC में शमूलियत के लिए भी कहा और बुलावा भी दिया था पिछली दफा, और इसी तरह से और भी काफ़ी स्टेजेस पे हमने देखा है कि अरब ममालिक जितने भी हैं, इन पर्टिकुलर सऊदीया नहीं, जितने भी हैं, UAE को भी अगर आप देखें तो UAE के साथ भी पिछले कुछ अरसे में इंडिया को, जैसे उन्होंने वो मोदी जी को कोई एक अवार्ड भी दिया था बड़ा, उसका नाम मुझे भूल गया, सॉरी। तो अरब कंट्रीज के साथ इंडिया बहुत अच्छे ताल्लुक बना रहा है, और उसके पीछे वजह यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो अगला सारा सिनेरियो आ रहा है ना, उसमें अब हेजमनी जो है ना वो ईस्ट की शायद बन जाए किसी तरह से, चाइना रशिया, और ये जो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिस तरह से होल्ड बनाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बैठ के हमें अंदाजा होता है कि रशिया की एक वार से जो यूक्रेन पर उन्होंने छेड़ी, उससे यूरोप किस कदर इफेक्ट हुआ है, पूरे वेस्ट की इकोनॉमी जो है ना एक दफा उसको हिला दिया है उन्होंने हल्के से, उससे एक छेड़छाड़ से। तो उसका अल्टरनेट फिर मिडल ईस्ट ही आता है। मिडल ईस्ट के पास अब जितने गैस है वो मिडिल ईस्ट के पास है, जितना ऑयल है वो रिसोर्सेज वो सारे मिडिल ईस्ट के पास है। तो इनके साथ ताल्लुकात जो है, और सऊदीया खुद भी, अब आपने देखा पीछे उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू की हैं, तो उन्होंने अल्टरनेट जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ मामला तो उन्होंने ठीक करने हैं। तो बड़े प्लेयर्स कौन से आपको नजर आते हैं? चाइना, रशिया, इंडिया, यही बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आप अमेरिका को बाहर निकालते हैं ना इस गेम से, तो यही बड़े प्लेयर्स हैं, इकोनॉमी वाइज भी और स्ट्रेंथ वाइज भी। तो ये जो मशकें हैं इनको अगर आप देखें, तो इसमें मेरे ख्याल में सबसे मेन चीज तो यही है कि वो एरिया जो राजस्थान का है वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखता है एक सऊदी अरब की एटमोसफेयर से। तो इसी वजह से वो सारी मशकें हुई हैं। और आज व्यूअर्स के लिए माजरत भी ये है कि मैं असल में वॉक में निकला हुआ था, तो बीच में आपकी आ गई, तो ना मैं वीडियो चला सकता हूँ क्योंकि वो बार बार मेरा मोबाइल हिलेगा और मेरी आवाज में भी एक वो नजर आ रही होगी, तो सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए माजरत हरी भाई से भी, डॉक्टर साहब से भी और ऑडियंस से भी। नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो सऊदीया जो है वो पाकिस्तान के साथ भी तो कर सकता था? आखिर क्या रीजन है? पाकिस्तान के साथ भी पास्ट में करता रहा है, लेकिन बात ये है कि अब इंडिया के साथ इतने रिलेशन बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ अब क्यों नहीं?
सर आप म्यूट हैं। सागर के जी कह रहे हैं रिबा जी डोंट इनवाइट अभिषेक मिश्रा इज फ्रॉड ही सपोर्ट आरजू काजमी सुमित पीर एंड अरविंद सहारन एक्सपोज आरजू काजमी। सागर के जी की बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये जो जी, सागर के जी है मेरे चैनल पर भी थे यार अभी अच्छा। थोड़ी देर पहले मेरे चैनल पे भी थे। बड़े खाली आदमी है यार ये तो खैर जो भी हो सागर के जी हमारे सम्माननीय हैं। देखिए ऐसा रिबा जी आपको बहुत अच्छा उत्तर दिया शुरू में हरी जी ने, उसके बाद जैन ने भी अच्छी उसमें वो बात कही। दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान नहीं बदलेगा, ये पाकिस्तान की समस्या है, पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा। सऊदियों ने डिसाइड कर लिया है वो बदल चुके हैं, अरबों ने डिसाइड कर लिया है वो बदल चुके हैं। आप नहीं बदलेंगे तो फिर आप ये हमेशा पूछेंगे सर पाकिस्तान क्यों नहीं, सर पाकिस्तान क्यों नहीं। ये अब आपको पूछना होगा अपने बड़ों से कि पाकिस्तान क्यों नहीं। ये अब आपको अपने बच्चों के लिए पूछना होगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं। ये आपको अपने मुस्तकबिल के लिए पूछना होगा अपने गवर्नमेंट से, अपने लोगों से जो इस मुल्क को चलाना चाहते हैं जिस फिलॉसफी से भी, कि पाकिस्तान क्यों नहीं। नफरत के आधार पर अगर आप चलेंगे कि बस एक सोसाइटी का कुछ ना हो बाकी सबका भला हो जाए, वो नहीं होगा। भारत ग्रो करेगा और वो इस पूरे के पूरे जो खित्ता है जिसको आप खित्ता कहते हैं, हम जिसको एरिया कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र में पिछले 2500 साल से चाइना और इंडिया दो बड़ी इकोनॉमी रही हैं और चाइना को भी सिविलाइज करने का काम इंडिया ने दिया, चाइना को बुद्धिज्म इंडिया ने दिया। जो तिब्बत के लोग हैं वो आज भी इंडिया को अपना बड़ा भाई मानते हैं, ज्ञान का अंबार मानते हैं। सारी दुनिया जानती है कि चाइना एक फॉर्मिडेबल इकोनॉमिक फोर्स होगा, आज वो $18 ट्रिलियन के ऊपर बैठे हुए हैं और जब तक आज से 2050 में जब हम नंबर दो होंगे वो नंबर एक होंगे, तो शायद तब भी हमारे और उनके बीच में करीबन करीबन $5-6 बिलियन या उससे ज्यादा का $1 ट्रिलियन का अंतर होगा। मगर कोई ये नहीं कहता कि आने वाला सेंचुरी वो चाइना का होगा। सारी दुनिया कहती है कि आने वाली सेंचुरी भारत की होगी। दशकों की बात नहीं होती, बात होती है कि आने वाला जो पूरा का पूरी शताब्दी है वो भारत की होगी। क्यों होगी भारत की? क्योंकि हमारे पास लाठी डंडे हैं, तोप है, न्यूक्लियर वेपन है, वो आपके पास भी है, वो चाइना के पास भी है, हमसे बेहतर ही है। लेकिन फिर भी शताब्दी हमारी क्यों होगी, चाइना की क्यों नहीं होगी, आपकी क्यों नहीं होगी? वो इसलिए कि भारत को आपने कभी जाना नहीं, ना जानने का प्रयास किया। जो भारत आप जानते हैं वो भारत नहीं है, और जो भारत को जानते हैं वो ये जानते हैं कि भारत ही दुनिया को लीड कर सकता है, इसीलिए वो कह रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब भी जानते हैं कि दुनिया को लीड करने के किसी में घट से तो वो भारत है। वो देश जो जो जिन्होंने उसको चोट पहुंचाई उसको भी गले लगाने वाला देश भारत है। बाकी चाइना तो अपनी एड़ी के नीचे दबा के रखता है, वो तो आप मुसलमान है तो वो तो आपको रोजे रखने की इजाजत नहीं देता। हमारे यहां तो आप मुसलमान है तो उस नाम पे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए भारत की शताब्दी होगी क्योंकि भारत ही दुनिया को लीड कर सकता है। विश्व गुरु बनने की कैपेसिटी और किसी देश में नहीं है, क्योंकि हम ही हैं जो कहता है एकम सत बहुधा विपराहा वदंती, सत्य एक है, अलग अलग तरीके से बताया जाता है। हम ही हैं जो दुनिया को ये शिक्षा दिए कि अहम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तेरा मेरा करने वाले छोटे लोग होते हैं और बड़े हृदय के लोग समस्त परिवार को, समस्त वसुधा को, समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। और किस फिलॉसफी ने कहा कि समस्त पृथ्वी अपना परिवार है? किस फिलॉसफी ने कहा? किसी ने नहीं कहा, यह हमारे लोगों ने कहा। यह हमारे लोगों की विजडम थी जिसका आपने परित्याग कर दिया। बाकी आपको दुनिया में मेरा तेरा इसमें बांट के चले गए। इसलिए समय फिर से दुनिया, आप अभी भी आलम इस्लाम में फंसे हुए हो। आपको यह जानकर बहुत दुख होगा
कि ओआईसी की मेंबरशिप कहती है कि 57 इस्लामिक मुल्क हैं। इनफैक्ट उसमें से 10 ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जिनमें कि इस्लाम जो है माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में दूसरे रिलीजन है, जैसे सूरीनाम। तो 47 मुल्क बचे, उन 47 में से 22 मुल्क अपने आप को डिक्लेयर करते हैं सेक्युलर, जैसे तुर्की हो गया, अफगानिस्तान तुर्की हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, सारे अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, कोई इस्लामिक नहीं कहता, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कल्चर अलग है, वो अपने कल्चर को बर्बाद नहीं करते जैसा आपने किया हुआ है। तो पॉइंट यह है कि आपके पास ले दे के एक चीज है, अब आप उसके सारे कैसे चलोगे। अरबों के साथ हमारे संबंध इस्लाम से पूर्व के हैं, मेसोपोटामिया में हमारी ट्रेड हुआ करती थी, अरब हमारे भाई हैं, हिस्टोरिकली हमारा उनका कनेक्शन है, मूर्ति पूजक वो भी हुआ करते थे एक समय, उनकी जो अलुजा और अल्लात जो थी देवियां वो हमारे यहाँ भी सरस्वती लक्ष्मी और इनके नाम से पूजी जाती थी, तो वो अपनी कल्चर को वापस से एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये देखना है कि आप अपने कल्चर को जिस दिन एम्ब्रेस कर लेंगे, फिर आप ये कभी नहीं पूछेंगे रिबाहा जी रिलीजन नहीं छोड़ना आपको, लेकिन कल्चर आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, जैसे इंडोनेशिया करता है, जैसे कजाकिस्तान करता है। मैंने किसी कजाक को ये नहीं सुना बोलते हुए कि भैया हम अरब से आए हैं, मैंने आज तक कोई कजाक मिला ही नहीं जो बोला कि हम अरब से आए हैं, नहीं हम कहीं और से आए मगर हम कजाक ही नहीं। ये फिनोमिना आपके यहाँ पाया जाता है। जिस दिन अपने कल्चर से आप जुड़ जाएंगी, जिस दिन आप ये मान लेंगी कि हमारा कल्चर यही है, प्राउड है, हजारों हजार साल का कल्चर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रहती थी जिस सिविलाइजेशन ने दुनिया के ऊपर कभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को गलत नहीं कहा, किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी को ये नहीं कहा कि हमसे दबके रहो, हमसे लड़ाई करो, किसी को नहीं कहा, प्रेम की भाषा सिखाई, प्रेम की। भारत ने कभी युद्ध की भाषा नहीं दी, भारत ने तो दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, भारत ने दुनिया को भगवान राम दिए। भगवान राम जब लंका जीत गए तो उन्होंने लंका को भारत में नहीं मिलाया, उन्होंने उनके रावण के छोटे भाई को कहा कि लो रखो इसको, खुश रहो। किसी को भी वहां एक ना तो वहां की औरतों को ला करके इबारत के बाजारों में बेचा, ना किसी और किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा आपका है, हमारी जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, अब हम जा रहे हैं। ये है भारत, दिस इज इंडिया। तो आपको ये तो सीखना पड़ेगा ना, अपने कल्चर से तो आपको जुड़ना पड़ेगा, और जिस दिन आप जुड़ेंगे तब आप ये बोलना बंद कर देंगे कि वाय भारत। चले बोले, थैंक यू। हरिमोहन जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने जैसे कहा कि कुछ बड़ा होने जा रहा है इस पूरी न्यूज के पीछे, आखिर कुछ हुआ है बड़ा, दैट्स व्हाई जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, आपकी इस पर क्या थॉट्स हैं? देखिए, मेरी सिंपल थॉट्स इसमें ये हैं कि अल्टीमेटली आपकी जो कंट्री है वो इस चीज को समझे या नहीं समझे कि दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो किधर जा रही है, लेकिन कम से कम सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज और इंडिया इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जियोपॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। अभिषेक भाई ने जो बताया, मैं उसको नेक्स्ट लेवल पर समझाने की, एक अगली लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अमेरिका में एक अलग सी लड़ाई चल रही है। अमेरिका में लड़ाई चल रही है कि ट्रंप को आने देंगे या नहीं आने देंगे, और अगर ट्रंप नहीं आया तो विवेक रामास्वामी आएगा, और अगर विवेक रामास्वामी आता है तो भी, और दोनों का पॉपुलैरिटी जो बाइडेन से ज्यादा है, अगर वो आता है तो अमेरिका में किसको प्रॉब्लम होगी? अमेरिका में रामास्वामी ने वापस ले लिया अपना कैंडिडेचर, नहीं भाई वो कैंडिडेचर ले लिया है, लेकिन इन केस अगर ट्रंप को वो नहीं मिलती है सपोर्ट, तो एक बार को बीच में जहां तक है कि एक बार को चांस मिलता है, कुछ ऐसा है मामला, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी है ठीक है, वो ये है कि अल्टीमेट लेवल पर होगा ये इस टाइम पर प्रॉब्लम कि अमेरिका के अंदर अजीब सी लड़ाई चल रही है डीप स्टेट की, डीप स्टेट अल्ट्रा लेवल कैपिटलिज्म, जो दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीजों को जोड़कर एक अलग लेवल की दुनिया को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। उसमें दुनिया के कल्चर्स खत्म होंगे, उसमें दुनिया के रिलीजन्स खत्म होंगे,
उनमें दुनिया की पॉपुलेशन खत्म होगी, सब खत्म होगा, गिने चुने सिर्फ वो पॉपुलेशन बचेगी जो कि कहीं ना कहीं यूज है, मतलब जो काम कर पाएगी और जो उनके काम की है, हाईली स्किल्ड या कम से कम स्किल्ड लेवल, अनस्किल्ड वालों से लेकर बहुत सारे मामलों में। अब इस चीज को बहुत से कंट्रीज समझ चुके हैं, उसमें एक कंट्री फ्रांस है, एक कंट्री जर्मनी है, सबसे मेन अरब कंट्रीज हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट भारत है। क्योंकि अगर आप कैपिटलिस्टिक अप्रोच को काउंटर करते हैं तो आपको दूसरी एक काउंटर ट्रेड और कॉमर्स की अप्रोच देनी पड़ेगी, जो इंडिया टेम्पल इकोनॉमी से लेकर दूसरी इकोनॉमीज की फॉर्म में देने की कोशिश कर रहा है। चाइना इस चीज में एक ट्रस्ट फैक्टर को लूज कर चुका है, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि चाइना का जो पिछला 2020 के बाद से अब तक का बिहेवियर है, उसने पूरी दुनिया को घबराया, डरा के रखा हुआ है कि वो किसी को जीने नहीं देगा। एक हाईली एक्सपेंशनिस्ट और एक्स्ट्रा एक्सट्रीम इंपीरियलिस्ट पावर वो मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया जो रिवाइवल ऑफ इट्स कल्चर कर रहा है, क्योंकि उसे एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं, ना सिर्फ चाइना में, यूरोप और इंडिया में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आने वाला टाइम अगर क्लीन एनर्जी का है तो उसमें ऑयल बेस्ड इकोनॉमी तो कई, तो या तो वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी होगी जैसे किसी टाइम पर हड़प्पा होते थे, आपको शायद नाम भी नहीं पता होगा, और दूसरा हड़प्पा मोहनजोदड़ो आपको नहीं शायद पढ़ाया जाता जहां तक मैं जानता हूं, तो इसे ओपन मत होइएगा। दूसरा दूसरा वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। अब इन दोनों ही चीजों में एक जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो गायब है, या वो ट्रेडिशन जो है वो ट्रेडिशन और खासकर रेडिकल इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी हर्डल बन रहा है, और यही एक बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है इस टाइम पर कि पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड इस टाइम पर एक लिबरल अप्रोच अपना रहा है। वो लिबरल अप्रोच ईरान नहीं अपना पा रहा, यही लड़ाई है। और इस पूरे कलेश को आपके पाकिस्तान में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स कई बार बैठ के आपके देखता हूं, कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है कि व्हाट इज डीप स्टेट, किसी को पता ही नहीं है। डीप स्टेट के बाद दुनिया कहां जा रही है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कहां जा रहा है, सऊदी अरेबिया किस मजबूरी के अंदर बदल रहा है, यूएई ने पहला एक्सपेरिमेंट कैसे किया, कुछ नहीं। चाइना कैसे लेबोरेटरी ऑफ डीप स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो किसी को पता ही नहीं है, कोई डिस्कस ही नहीं करता। अब पॉसिबली उन्हें 72 हूरे दिखाई दे रही है, मैं उसमें नहीं कह सकता। तो इस चीज को जब आप नहीं समझ पा रहे, मैंने इसीलिए पिछले वाले पार्ट में मैंने जब बोला था तो मैंने कहा था इससे अगले वाले हिस्से में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं है। एक बिहेवियर और होता है, वो बिहेवियर ये होता है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में ही ये सोचना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट हमारी जो पुराने वाली कांग्रेस थी, आज वाली नहीं पुराने वाली कांग्रेस जो थी, उसने 1885 के बाद ही डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि इंडिया कैसा होना चाहिए। यानी 1885 से 1947 तक कंसिस्टेंटली डिस्कस किया गया कि इंडिया कैसा होना चाहिए। और 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान तो आपको बंटवारे में मिल गया, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उसमें से पाकिस्तान बना था, तो जो हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम हमने 70-80-100 साल की अप्रोच पहले दिन बना के रखी हुई थी, और आज भी वही है कि इंडियंस जो हैं आज से 50-100 साल बाद की बात कर रहे हैं, 50 to 100 ईयर्स लेटर की बात कर रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन कहां होंगी। और जब हमें ऑटोमेशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इस कैपिटलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म से डर लग रहा है, तो काउंटर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रही है। और आज जो है इंडिया एक लीडरशिप की फॉर्म में देखा जा रहा है, उसके पीछे का बड़ा रीजन यही है, जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स में तो छप रहा है, लेकिन अभी उसे हम इंडिया में भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं, पाकिस्तान में तो नामो निशान नहीं है। ये एक बड़ा रीजन है कि विजन जिस कंट्री के पास है, दुनिया उसके साथ जुड़ रही है, और यहां पर विजन दो कंट्रीज के पास प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है, अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका का डीप स्टेट हावी हो चुका है उसकी डेमोक्रेसी पे, और कोई बड़ी बात नहीं, कल भी मैंने वीडियो बनाया है कि सिविल वॉर हो सकता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है इंडिया, उसे समझ में आ रहा है कि भाई यहां डेमोक्रेसी मजबूत है, इंस्टीट्यूशन भी मजबूत है, सिस्टम्स भी मजबूत है, लीडरशिप भी कर सकता है, और जितनी ताकत और जितने कॉन्फिडेंस के साथ
अफ्रीकन कंट्रीज को अपने साथ जोड़ा, वो एक बड़ी अचीवमेंट है और इस चीज को दुनिया ने एडमायर किया, तभी वो आज के दिन रिलेशंस को डिफेंस फॉर्म तक लेके जाने की सोच रहे हैं। आपकी कंट्री में इलेक्शन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। 8 फरवरी से पहले पहले खेला जो हो गया है, इमरान खान 10 साल के लिए जेल, और मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस न्यूज, कि 14 साल के लिए इमरान खान की पत्नी को जेल में भेज दिया। अगर 14 ईयर्स के लिए इमरान खान की वाइफ जेल चली गई, कैन यू इमेजिन किस तरीके का ब्लेंडर आप कर रहे हैं। तो जब ये सवाल पूछा गया ना, इंडिया ही क्यों, तो इस सवाल का जवाब असलियत में देने के लिए सब चीजें डिस्कस करनी चाहिए थी। पहले आप आसपास नजर दौड़ाइए कि आप फोकस किस पर कर रही है। हमारे जो लीडरशिप है वो फोकस कर रही है अरब कंट्रीज पर, आपकी लीडरशिप फोकस कर रही है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, स्पिन द बॉटल चल रही है, या फिर हो सकता है राउंड द चेयर घूम रहे हैं कि पीएम कौन बनेगा, ये आउट, चलो भाई दोबारा घूमो, ये आउट, फिर तीसरी बार घूमो और ये आउट, अभी ये गेम चल रही है। उसके बाद भी क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उस लेवल के विजनरी डिस्कशन आपके यहाँ हो नहीं रहे, मिनिस्टर्स भी नहीं है वैसे। जी जैन, मैं एक चीज जोड़ दूं, कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैंने जैन को कल धोया, ऐसा कोई ऐसे ना देखे इस चीज में, कोई किसी को वो नहीं करता, जैन मेरे छोटे भाई हैं और बड़ा उनका रिस्पेक्ट है, हम लोगों के बीच में ये बातचीत होनी बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप जैन की प्रोग्रेसिवनेस को देखिए, इज अ वेरी प्रोग्रेसिव गाय, और कोई किसी को यहाँ पे हराने या जीतने नहीं आया है, वी आर हियर जस्ट टू क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हरी जी भी हैं, हम भी हैं, सब एक दूसरे से बात करके आए हैं, बात करने आते हैं, किसी को कोई हराने नहीं आता। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट, वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, सीखते हैं। जी जी बिल्कुल, गिव ड्यू रिगार्ड टू जैन ऑल्सो, इस तरीके की बातें ना लिखेंगे किसी का दिल दुखे, एंड ही इज अ यंग बॉय, इज लर्निंग अ लॉट एंड प्लस ही इज वेरी प्रोग्रेसिव। जी जी बाजी, हैंड ओवर। ओके जैन, क्या कहेंगे आप के पाकिस्तान में आने वाले टाइम में क्या इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकेंगे, और सऊदी अरब जो कि OIC और इस्लामिक कंट्री और ये सारे जब OIC के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा इस्लामिक कंट्री जो है हमारा ब्रदर मुल्क है सऊदी अरब और UAE, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में क्या हमारे भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? देखें, यही तो हमारी सबसे बड़ी खाम ख्याली है ना, कि ब्रदर मुल्क जो हम कहते हैं, देखें दुनिया जो है ना वो एक इकोनॉमिक वारफेयर में चल रही है, ठीक है, अब की जो जंगें है ना वो कोई बंदूकों वाली जंगें तो नहीं है, अब आप अगर तगड़े हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो दुनिया आपकी बात सुनेगी, आपसे दोस्ती करना चाहेगी, गरीब बंदे से तो आपके गली मोहल्ले में कोई बंदा दोस्ती नहीं करना चाहता। तो मुल्की लेवल पे जब तक आप देखिए, गिव एंड टेक का जो फार्मूला है ना वो हर जगह पे वेरी करता है, जब तक आप किसी को कुछ देने के काबिल नहीं है, ठीक है आपको अमेरिका को डॉलर दे रहा था तो उसकी बेस ये थी कि आप अफगानिस्तान में उसको हेल्प आउट कर रहे थे, इसके अलावा अगर कोई बंदा या कोई मुल्क आपकी किसी तरह से मदद कर रहा था, सऊदीया की आपने बड़ी हेल्प आउट की है, खाना काबा पे जब अटैक हुआ मुशरफ के दौर में, मुशरफ ने खुद जाके उसको सेफ गार्ड किया, वो सारी चीजें, तो आपकी असल में जो इंटरनल चीजें है ना पाकिस्तान की वो असल में इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुकी हैं, हम अंदरूनी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम एक्सटर्नल अफेयर्स के तो भी काबिल ही नहीं रहे, तो ये चीजें कहना और ये बातें कहना कि ये फलां मुल्क जो है वो हमारा ब्रादर है और फलां हमारा दुश्मन है, तो ये मेरे ख्याल में यही हमारी सबसे बड़ी खाम खियाली है। अब जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं पूरी दुनिया के, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि गिव एंड टेक के फार्मूले को अगर पाकिस्तान समझेगा, इसके लिए खुद को प्रिपेयर करेगा, तो फिर ही हम दुनिया के साथ चल सकते हैं, अदरवाइज हमारे साथ जो हो रहा है, हम जिस तरह से पिट रहे हैं हर जगह पे, हमारा भी दिल करता है कि हम जो है वो पाकिस्तान की छाइयां बयान करें और पाकिस्तान में अच्छी चीजें हों और ऑब्वियसली हम उसको डिफेंड करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी जहां आप गलत हों और वहां पे भी खुद को डिफेंड करना शुरू कर दें, वो तो मेरी साइकी में नहीं शामिल। और दूसरी बात, अभिषेक भाई का भी मैं वो सुन रहा था अभी मैंने, जो मुझे कह रहे थे, तो अभिषेक भाई मैं तो कमेंट सेक्शन देखते नहीं हूँ, लिटरली नहीं देखता,
ठीक है, उसके पीछे वजह ये है, वो किशोरदा का ही गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर इस तरह से अगर हम लोग अपने चीजें करना शुरू कर दे लोगों के कहने पे, तो फिर तो बात बन गई, फिर तो हो गए मामला दर। तो लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, लोगों के तो कहने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल यही चीज में इससे ज्यादा अहम चीज है पाकिस्तान की बात जो यहाँ पे हो, इंडिया की बात या इंटरनेशनल अफेयर्स की बात, वो ये बात है कि हम जो है ना वो सीखें तो बात बनेगी। जैसे हम लोग एक, ये बिल्कुल यार एक पर्सनल पर्सनल चीज है, यानी जैसे एक पर्सन की आप मिसाल ले लें, मुल्क को भी आप ऐसे ही कॉन्टेक्चुअलाइज कर लें, पूरे कंट्री को भी ऐसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर लें, 10-12 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, वो एक मामला चला रहे हैं, वो एक पंचायत चला रहे हैं या एक गाँव चला रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इज्जत उसको मिलेगी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। तो फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो फिर हमारे पास कोई अल्टरनेट चीज होनी चाहिए, हमारे पास कोई इतनी ताकत होती कि हम चीजों को कंट्रोल कर सकते होते। जैसे सऊदीया के पास ऑयल है, ठीक है, किसी के पास गैस है कि वो अगर बंद करे तो पूरी दुनिया जो है उसको एक दफा झटका लग सकता है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे हम वही तो मैंने आपको बता दिया पहले, अगर हम अमेरिका को कहीं से कोई बात कर सकते थे तो वो वैसे ही अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, रशिया के खिलाफ उन्होंने लड़ाई वैसे बंद की हुई है, और उधर हमारा कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल ना वो यूजलेस हो चुके हैं मेरे ख्याल में, हमारी कोई जरूरत नहीं है किसी को। तो अब या तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कोई 9/11 हो और हमारी दोबारा से जरूरत पड़े तो फिर हम किसी तरह से गेम में वापस आए, या फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी चाइना की तरह, इंडिया की तरह, कि हम दुनिया को मनवाएं कि हमारी जो इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी हमारी आबादी है जो दुनिया बढ़ती जा रही है, वो किसी काम की भी है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया जैन आपका, हरी मोहन जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके इन्होंने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, व्यूवर्स चैनल को। मैंने अभी तक सुना था कि लोग हवा से बातें करते हैं, जैन जी वाकई में हवा से बातें कर रहे थे। वो असल में हवा चल रही, मैंने आपको बताया ना, तो मैं था भी वॉक पे, तो इस वजह से अब मैं इसको इनकार भी नहीं कर सकता, रिवाह के साथ एक ताल्लुक ऐसा है, दोस्ती इतनी पुरानी हमारी, तो बाकी वो बस मैंने फिर इसको कहा कि मैं वीडियो नहीं लाऊंगा क्योंकि आपने अभी मेरी आवाजें उड़ती सुनी है, आप मुझे उड़ता भी साथ साथ देखते ऐसे आवाज मुझे खेल ली है। चलिए एक चीज तो पता चल गया कि आपकी दोस्ती पुरानी है रिभा जी के साथ, इसका मतलब रिभा जी भी बहुत पुरानी है, ये बात हम लोग को नहीं पता थी, शक तो था हमें कि पुरानी है ये। सर मैंने उस दिन आपको बुजुर्ग कह दिया था ना, इस वजह से आप उसका बदला ले रहे हैं। तो हरिमोहन जी बात कर रहे थे ना कि आप लोग वो पढ़ते नहीं है, हरी जी मेरी जो BS का थीसिस था ना वो चांकी कोटलिया जी पे था, ठीक है, मैंने उनकी मतलब उनको पढ़ा, फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट है ना, मेरे मास्टर। आपकी आवाज म्यूट है, आप म्यूट है। पाकिस्तान में पढ़ा या लंदन में पढ़ा? नहीं नहीं पाकिस्तान में पढ़ा, और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये पाकिस्तान में चाणक्य है, है? जेल नहीं हुई आपको? नहीं जेल नहीं हुई मुझे, और दूसरा ये किसी को भी नहीं होती यार, ये डिपेंड करता है, बात ये है ना कि इंटरेस्ट बेस्ड चीजें हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा पढ़ना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है, आप मदरसे में चले जाओ, आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ये तो आपके पास ऑप्शन होती है। और दूसरी बात ये क्या नाम है, रिबाह को मैं इस चीज में इसलिए दर्ज कर रहा हूँ कि ये जैसे वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि ये पुरानी है, तो ये चांकिया कोटलिया जो है ना वो इनसे ज्ञान लेते थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जैन मेरी बात से ना मुझे लगता है हवा बहुत ज्यादा दिमाग पे चढ़ गई है। वाली बात है, कमेंट सेक्शन में वो कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब ने मुझे, क्या डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, धो दिया वो धो दिया इन लोगों ने। सही हो गया। बहुत शुक्रिया जैन आपका, और हरिमोहन जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपके मक्का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।